ये जो इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की, इसके ऊपर अमेरिका नाराज था कि भाई ये इस्लाम की बात कहाँ से हो रही। फिर वो आके जनाब एक उन्होंने काम और ये कर दिया कि वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है क्या कहते हैं वो इस्लाम फोबिया के हवाले से उन्होंने करारदाद मंजूर करा ली, वो हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम चीज जो आज तक किसी को नहीं पता, वो वाकई मैं फख्र कर रहा हूँ कि कौम को फख्र करना चाहिए, जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ वो किसी को नहीं पता, वो ये है कि मैंने आज से तकरीबन को काफी अरसे से, मैं तकरीबन गुज़िश्ता दो दहाइयों से हम कोशिश करते रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जिस तरह सलामती काउंसिल के अंदर आपने अमेरिका को दी भी है, क्या कहते हैं चीन भी है, रूस भी है, मतलब अहले यहूद भी है उसमें, ईसाई भी है उसके अंदर, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सारे हैं, सबकी नुमाइंदगी है। लेकिन अगर नुमाइंदगी नहीं है तो कहीं सिर्फ वो मुसलमानों की नहीं है। तो मैंने गुज़िश्ता अपने तई जो हम कर सकते थे, हमारे साथ किसी ज़माने में कुछ लोग थे, कुछ सऊदी अरब के भी कुछ थे, बहरहाल हमने अपने तई जो छोटा सा, हमारी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी, हम कोशिश करते रहें पसे पर्दा अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, लेकिन वो उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा खुशी हुई और बड़े मुझे पता लगा, लेकिन कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में इसका जिक्र नहीं किया जा रहा कि इमरान खान ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जैसे ही आपको पाकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की सदारत मिली, आपको पता है इमरान खान ने सदा अभी कराया था OIC का इजलास, OIC का इजलास की जैसे इनको सदारत मिली, सदारत मिलते ही इमरान खान ने सबसे बड़ा काम ये किया कि अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में मुसलमानों के लिए मुस्तकिल नशिस्त का मुतालबा कर दिया इन्होंने। ये किसी को नहीं पता, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम था, यानी वो जो काम किया था अक्वामे मुत्तहदा के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से, उसके बाद ये इतना बड़ा काम था, ये तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की एक मुसलमा ताकत को तस्लीम, यानी एक तो दीन को तस्लीम कराने के बाद, फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक मुसलमा ताकत को तस्लीम कराने के बाद, और ये दरख्वास्त जमा हो गई है वहां पे। तो ये चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक आपसे किसी ने बताई, ये बहुत बड़ा इकदाम था इमरान खान का, और ये एक वजह है जो मेरी अहम लोगों से बात हुई है जो बड़ी दस्तस रखते हैं मुसलमानों के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से, मगरिब के थिंक टैंकों के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि ये एक इंतहाई खुफिया चीज थी जिसके ऊपर उन्होंने इसको जाहिर नहीं होने दिया, और इसके ऊपर भी इनको बहुत बड़े मगरिब को एक वो था। और इस बात के बाद इन्होंने कहा कि जब ये इस्लामोफोबिया के हवाले से भी आ गया, मुस्लिम जो इस्लाम जो सलामती काउंसिल की जो है जिसके अंदर वीटो पावर वगैरह है उसमें भी ये लेके आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा ये सारी दुनिया में ये लीडर जो है इस्लामी इंकलाब ला सकता है, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इसको फारिग किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो आज तक किसी ने बताई, जो मैं आज आपको बताई, और ये बिल्कुल तस्दीकशुदा बात है।